कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सरपंच वालेकुम जी की सीरीज में आज हम कुछ नया पैटर्न लेके आए हैं। मतलब क्वेश्चंस का ही है। अगला पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, सबसे बढ़िया है हम बड़ी 11 बजे। इसमें से कौन सा पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या लिनक्स? अच्छा विंडोज 7 राइट आंसर होगा। लिनक्स क्या होगा? लिनक्स लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कसोरा किसी नेटवर्क को नाम का हो गया, वाला कार्यक्रम हो गया, रात में होता है और खाने में क्या होगा? नॉनवेज होता हो जाता है कभी। इसका आंसर क्या होगा? गेटवे लिख लीजिएगा। गेटवे जो ब्रिज की तरह काम करता है, नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? गेटवे होगा। और दिन से खंडी मोर मोर पर मैं कहा और ना भाई जी हमारी पानी चला पांच बार चला गया आलू को लाना था मेरे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एजुकेशन के लिए, ई कॉमर्स के लिए? क्वेश्चन से अगर मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी लग रहा है, लेकिन राइट आंसर होगा क्या? बी ही होगा। ठीक है, ईमेल में कितने भाग होते हैं? ये तो कई बार आ गया है। कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? पहले यूजर नेम, तब डोमेन। मेष टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आसान है, सब लोग बताइएगा और सही बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। मेष टोपोलॉजी का आंख बंद करिए और मनन करिए, इसका डायग्राम याद करिए। मेष टोपोलॉजी क्या है? बढ़िया, हम भी आने नमाज में नहीं पढ़ेंगे। हम जरूर तो भी हम नहीं पढ़ने के लिए जाना है। हम नहीं पढ़ेंगे। हम आज जाने के लिए पढ़वा वाले हैं। हम सीजन के बाद। शोर भी याद कर ले रहो। देखो नहीं ठीक है ना ये। तो मैं तो उतना ही के अंजाम देने आ सकती हूँ। हाँ? कौन लिख रहा है इस पे? टिकवा समझे नहीं ना, बहुत दूर है, ऑप्शन कहीं और है, कुछ कहीं और किया है। तो याद करिए, मैं टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये अब नहीं कर कुछ कर पाएगा। तो मैंने कहा था कि मैं टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर सिस्टम के लिए अलग अलग रूट बना होता है, यानी जितने सिस्टम उससे कहीं ज्यादा रूट। अभी तो यहाँ प्राइवेसी होती है, मैसेज को हैंडओवर नहीं किया जाता है, पास आउट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट रास्ता होता है। तभी तो लिखवाया गया था मेष टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें गोपनीयता होती है, जिसमें
प्राइवेसी रहती है और कोलिजन की चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो पांच की बात की है तो दस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, दस हो जाएगा। राइट आंसर होगा दस। आप लिखा हुआ करवा निकाल लेंगे एक रूप से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केबल से सबसे ज्यादा तेज डाटा भेजा जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। पूछा है किस केबल में डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है। मंजेश्वर का जवाब है ऑप्शन सी, और आप लोगों का क्या होगा, उनके उनके जवाब के लोग एग्री हैं। आप बताइए एग्री नहीं है, मैं धोखा दे दिया, लेकिन आज मैं एग्री हूँ। अब कितने लोग एग्री हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर लिख लीजिएगा। हम डाल दिए पेपर जी का, डाल दीजिए आप भी एग्जाम दे दीजिए। अरे दे लेंगे अच्छी बात है, नहीं पांच और तक हो जाएगा। हम भी भरने वाले हैं जल्दी, अगर आप लोग जुटा के 600 रुपए मुझे दे दें तो मैं भी बोल दूंगा। ऑलरेडी मेरा एक ग्रिड आ चुका है, यस की तैयारी की जाती है एक अटेम्प्ट। जैसे इसमें यही है ट्रिपल सी में, जैसे नहीं कंपार्टमेंट का एग्जाम देते होंगे या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं ना आप लोग, मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर आया सौ में, और चाहते हैं और नंबर बढ़ाना है तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल देते हैं। अगर नंबर मान लो 70 आ गया तो 70 चढ़ जाएगा, और मान लो 50 से और कम हो गया तो 50 ही चढ़ जाएगा, ये नियम है। तो वैसे इसमें भी ट्रिपल सी में कई अटेम्प्ट लीजिए, ग्रेड बढ़ा लीजिए, पहले से पास लाइए, बाद में और ग्रेड अच्छा कर लीजिएगा। तो मैं गया था एग्जाम लेने तो किस्मत इतनी खराब थी, उसी टाइम लिबरे ऑफिस आया हुआ था, लेकिन यह है कि लिमिटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए हम लोग का ग्रेड अच्छा आ गया 2018। और आप लोग की बारी है, इतने साल लेट चल रहे हैं आप लोग, अब आप लोग भरिए, देखिए कौन सा ग्रेड ला रहे हैं आप, बस पास हो जाइए इतना ही इतनी बहुत है। और जिसका यस ग्रेड आ जाएगा ना उसको मैं पर्सनली कुछ गिफ्ट करूंगा। अरे झूठ नहीं बोला हूँ आप लोग, आईफोन ना चला रहा हूँ, तुमको आईफोन दूंगा, ज्यादा उम्मीद नहीं करो। अगला, कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है कोर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सी में, कौन सा,
ताले ना ये ताले सब होने लगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोग्राम होता है। पैकेट स्विचिंग किस विधि में प्रत्येक पैकेट पर सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विविध संचार पत्र ले सकते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वर्चुअल सर्किट या यूडीपी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी वेरी गुड, गलत है। राइट आंसर होगा सी यूडीपी। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, लिख लीजिएगा। सियान भले तो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत गंदा मौसम चल रहा है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है वो अक्सर लोग डेथ भी हो जा रही होते हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसी चल रही है, देखिए ना सब उल्टा हो रहा है इस बार। अपनी वहां सूखा का नौबत आ गया है, धूप इतनी तेज है। दुबई में जहाँ जबरदस्ती पानी बारिश कराया जाता था, आज वहाँ बिना मांगे पानी बह रहा है। और राजस्थान में पता नहीं कितनी जमीनें अपने अंदर धस गई है नीचे। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सही नहीं है, क्योंकि हम जितना प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, प्रकृति कहती है कि आप एक्शन करिए, मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, तो एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है इसमें, तो बच के रहिए, है ना। कोशिश करिए कि अपने आप को बचा के रखिए सब चीजों से। खाना कम, गर्मी में खाना कम, पानी ज्यादा पीजिए, पानी पीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, कुछ और मत पीजिए, होल्डिंग भी नुकसान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, PSTN का पूरा नाम क्या होता है? तो बी नहीं लग रहा है, सी भी नहीं लग रहा है, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। पीसी नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? ए और डी, पब्लिक, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। देखिए तरीके से करेंगे तो राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर तो बात ही अलग है। कितना क्या कबो छोगो, अरे भैया खिला बा मोटरसाइकिल चाहिए होगा, हम अपन कपड़ा ऊपर धो दिए, ये ना फिर दोपहर के तो के जाए थे कहाँ, नोस्ट ड्रेस में चल जाए, ये ना बहुत ठंडा लगता है, दिन हो रही है।
नेक्स्ट देखिए टीम बताएंगे सिर्फ आगे डेक्स वाले लोग और कोई नहीं बताएगा फर्स्ट डेक्स पे का तो जैसे मैं कंप्यूटर टेबल बना देता है मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटिंग कर देते हैं 15 और 25 यहाँ तो वाईफाई चला 2000 रुपया लागे लो25 दिसंबर बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया गलत जवाब है 2 दिसंबर सही है लिखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर डे बहुत अच्छी बात है बात नहीं करना है ए याद है बात नहीं करना है ना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इतना तो पता नहीं चाहिए आप लोग को पढ़ रहा है कंप्यूटर का पता ही नहीं है 25 दिसंबर को आ रहा है 18 कह रहा है 15 कह रहे हैं जो है कह ही नहीं रहे कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किससे बनी होती है कर दो ठीक है क्या होगा कितने लोग ए से हैं ए से कितने लोग हैं ए से 3 लोग नीचे करिए बी से सबका हाथ उठना ही चाहिए पता ही है आप लोगों को बी से एक कितना होता है बेचारा सी से और डी से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नहीं ए होगा सिलिकॉन से देख लीजिएगा सिलिकॉन से मुझे पता है सिल्वर वाले बहुत ज्यादा लोग देख लियो तुम
सुनो इसके बारे में जान लो। कहा है कि जो पूर्वानुमान लगाते हैं मतलब भविष्य में क्या होगा वो उसका गेस पहले ही कर लिया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा गोसी का फार्मूला एक्सेल में कि हम इतना नहीं हम इतना वैल्यू देना चाहते हैं तो भविष्य में कितना देना होगा। आप ही बताओ जैसे अगर मैं इस महीने इतना प्याज दे रहा हूँ तो मैं पूरे साल में इतना दूंगा या लास्ट तक इतना दूंगा। ठीक है अगला है एज नेम क्या है इस कंपनी की स्पीड आने का मतलब क्या होता है फार्मूला एरर है रेफरेंस एरर है वैल्यू एरर है सब कुछ सब बढ़ रहा है क्या लिए घरों नहीं है क्या वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार क्या है कौन सा आईपी एड्रेस हम यूज कर रहे हैं याद करिए तो याद आएगा हमें भी बताया वर्तमान में हम यही भैया भैया
लगा है ऐसा बता दीजिए आपको किस नंबर से फाइल का नाम नहीं होता काफी वायरल हो गया है जी सही है लिख सकते हैं आपको स्टार के कभी फोल्डर में आप आइए फोल्डर कर सकते हैं क्लास में थर्टी बजे तक क्लास क्या बोल ऐसे सुबह दिमाग नहीं काम करता बस शादियों में घूमना और दबा के खाना चलिए मतलब कि स्टार नाम से फुल नहीं बचता ऐसा नहीं कि लाइन में बात करते जरूरी फॉर्म पेस करोगे 21 नंबर बता दो लास्ट क्वेश्चन है रुको पता मिल रहा है 21 नंबर लिख लीजिएगा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा देखिए रे दवाई योजना करवा ये बाकी वाला ना पहली बात बी में सब गलती है मैसेज की स्पेलिंग गलत है सर्वर की स्पेलिंग गलत है तो बी तो नहीं होने वाला और मेल कर नहीं रहा है मेल में ये ऑप्शन तब सही होनी होगा अब इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट सर्वर होगा चैट होगा जो दो ऑप्शन ऐसे ही निकल गए तो अब मैसेज करने का मतलब चैट करना तो राइट आंसर क्या होगा चैट सर्वर बस आज के लिए इतना ही लिख लीजिएगा Q4 21